नमस्कार भागवान भाइयों, भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हाँ, यदि आप कुछ जानकारी या साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे। थोड़ा सा आपका ध्यान अपने फ्रूट पे भी डलवाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट ये पीनट साइज के आसपास पहुँच चुका है हमारा फ्रूट, काफ़ी बड़ा हो चुका है फ्रूट। और जो इस साल की क्रॉप है, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी क्रॉप लगी है इस साल। अभी फ्रूट थिनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि किंग ब्लूम क्या होता है। अगर आप किंग ब्लूम की खूबी देखेंगे तो बागवान भाइयों, आप देखेंगे इस बीमे में पांच फ्रूट लगे। अगर आप ये सेंटर वाला देखेंगे, इसका साइज बहुत बड़ा है, जबकि अरे परे वाले छोटे है। जो आपके सेंटर का फ्रूट होता है, आप देखेंगे इसको सेंटर में उगाए, ये किंग ब्लूम है। हमेशा किंग ब्लूम सबसे पहले खिलता है, इसीलिए इसकी साइज और क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। जिस दिन आप फ्रूट थिनिंग पे जाते हैं या किंग ब्लूम की बात होती है, तो जब आप फ्रूट थिनिंग करेंगे तो आप इन साइड वाले फ्रूट्स को काट लेंगे या तोड़ देंगे इस तरीके से। जैसे ही आपने ये फ्रूट कट डाउन किए, आप देखें नेचुरल सी लेयर बनी है फ्रूट के ऊपर, बहुत ही शानदार। और फ्रूट लॉन्गेशन आप देखेंगे, फ्रूट क्वालिटी आप देखेंगे तो अभी से इम्प्रूव हो चुका है ये फ्रूट। ये देखिए, ये 5 लोब की ओर जा चुका है। और बहुत सारे लोगों को रस्टिंग की प्रॉब्लम, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अभी पीछे रस्टिंग दिख जाएगी, मतलब आपकी प्रैक्टिस में कहीं प्रॉब्लम है, आपने कोई गलत चीज़ की है जिसकी वजह से डैमेज। आजकल कोई ऐसी गलत स्प्रे ना करे बागवान भाइयों, इतना सा छोटा फ्रूट है, अगर ये डैमेज हो गया तो रस्टिंग आ जाएगी। अभी आप बड़े अच्छे तरीके से दवाइयों का चयन करें, विशेषज्ञों की सलाह लें, अपने नज़दीकी जो भी आपके हॉर्टिकल्चर विभाग है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ज़रूर सलाह लें हमेशा कोई स्प्रे करने से पहले। बाकी आप हम जैसे बागवानों से भी साझा कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो ये जो फ्रूट थिनिंग है, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात आ गई है कि कैसे काटेंगे। बहुत सारे लोग इस डंडी को बिल्कुल नीचे से काट देते हैं या ऐसे तोड़ देंगे, कभी भी इसको तोड़ना नहीं है बागवान भाइयों, नहीं तो यहाँ नीचे डैमेज हो जाएगा। जो फ्रूट का ऊपर का भाग है, सिर्फ ऊपर से यहाँ से कट करना है, आप कैंची से करो चाहे हाथ से करो, तो ये धीरे धीरे सूखनी शुरू होगी और ये झड़ जाएगी। तो ये किंग ब्लूम आप रखेंगे तो इसमें बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। आप सेम चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं, आप सेंटर का फ्रूट देखिए कितना बड़ा हो चुका है, और आप इस बड पे भी देखेंगे ये वाला किंग ब्लूम है, आप देखेंगे अरे परे के बिल्कुल वीक हो चुके हैं, दो तो ड्रॉपिंग के लिए मगर दो ड्रॉप नहीं होगे। इसलिए हमारा जो किंग ब्लूम है वो सेंटर का जो दाना होगा वो किंग ब्लूम का फ्रूट है हमारे। और एक अच्छी प्रूनिंग प्रैक्टिस का आप नतीजा देखेंगे कि एक सिंगल ब्रांच में बहुत ही अच्छी क्रॉप के साथ साथ लेंथ तक देखिए आप, कुछ प्लांट्स बहुत लेट फ्लावर हुए थे, उसके फ्रूट साइज थोड़ा सा अभी आपको छोटा दिखेगा। फ्रूट क्वालिटी देखिए आप, फ्रूट लॉन्गेशन, रोज चर्चा का विषय बना हुआ है पीजीआर। आज आप पीजीआर की क्वालिटी देखिए, इस साल सुमिटोमो कंपनी ने भी ट्रायल के लिए पीजीआर दिया था,
पीजीआर के ध्रुव विरोधी है, शायद उनके लिए एक अच्छा जवाब होगा ये फ्रूट क्वालिटी।